किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो हमने अभी थ्योरी पढ़ा उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्चुअल में ये दो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन जो है हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है और दूसरा क्वेश्चन हमारा वेक्टर फॉर्म में है। दोनों में चीज़ें एक ही हैं कि हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और उस पॉइंट से उस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डालना है, जो लंब खींचना है, उस लंब की लंबाई पूछी जा रही है। पहले हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2i-j+5k। ये जो है हमारा एक बिंदु है और इस बिंदु से इस रेखा पर जो लंब खींचा गया है उस लंब की हमें लंबाई निकालनी है। अगर एक डायग्राम के रूप में हम इसको समझें तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लीजिए कि ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट मतलब जो पोजीशन वेक्टर है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, कार्तीय रूप में हम बिंदु का निर्देशांक लेते हैं, वही वेक्टर फॉर्म में हम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेते हैं। सदिश रूप में अगर किसी बिंदु के बारे में हमें बताना हो तो हम उसकी स्थिति सदिश को बताते हैं। तो ये पॉइंट P जो है ये अपने आप में 2i-j+5k है। अच्छा, ये तो हमारा पॉइंट हो गया। यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं, ये लाइन जो है ये लाइन हमारा है r वेक्टर इज इक्वल टू 11i-j+8k+λ10i-4j-11k। ये हमारे इस लाइन का इक्वेशन है। अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, यानी उस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अब ये परपेंडिकुलर इस लाइन पर कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा, जिस पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट पर ये आकर इसको मिला, इस पॉइंट को हम L बोल देते हैं। L अपने आप में क्या है, L अपने आप में एक पॉइंट है और इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है, निर्देशांक निकालना है, या चूंकि ऐसे कहें कि वेक्टर फॉर्म में है तो इस पॉइंट L का हम पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं। कभी भी ध्यान रखिएगा कि लाइन के इक्वेशन में ये जो R वेक्टर होता है, ये R वेक्टर किसी भी उस लाइन पर स्थित किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए ये आर वेक्टर जो है चेंज होता चला जाएगा। अगर इस लाइन पर हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है तो उस पॉइंट के लिए लैम्डा का वैल्यू कुछ और होगा, वही पॉइंट अगर हम यहाँ पर ले लें तो उस पॉइंट के लिए लैम्डा का वैल्यू कुछ और होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्यूशन में, जब भी आप इसका सॉल्यूशन वगैरह बनाएं सब टाइप के क्वेश्चंस का, तो एक हल्का सा डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लें, इससे कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर रहता है। सॉल्यूशन में हमने क्या कर दिया, लेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P 2i-j+5k टू द गिवन लाइन कर देते हैं, गिवन लाइन इज L। लेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस वन टू द गिवन लाइन इज L। दिए गए रेखा पर बिंदु P जिसके स्थिति सदिश ये हैं से डाले गए लंब बिंदु का पाद हमने L मान लिया। अब इस L के कोऑर्डिनेट्स के बारे में सोचते हैं,
तो एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब सोचिए, लैम्डा का कोई ना कोई तो ऐसा वैल्यू होगा जिस वैल्यू के लिए ये आर वेक्टर जो है, या ये आर वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर जो है, ये इस पॉइंट एल को बताए। तो हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि ये आर वेक्टर और कुछ नहीं, ये हमारे पॉइंट एल का ही पोजीशन वेक्टर है। तब द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एल इज गिवन बाय, बिंदु एल के स्थिति सदिश। अब हम निकाल रहे हैं बिंदु एल का स्थिति सदिश क्या है, यही पूरा का पूरा इक्वेशन है। बस इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करना है? हमारे पास 11 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 8 के कैप पहले से था, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा प्लस 10 लैम्डा आई कैप माइनस 4 लैम्डा जे कैप माइनस 11 लैम्डा के कैप। अब यहाँ से आई कैप देखिए दो जगह है, जे कैप भी दो जगह है, के कैप भी दो जगह है, कॉमन निकाल दीजिए। तो कॉमन निकालेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से आपको दिखेगा 11 प्लस 10 लैम्डा आई कैप प्लस माइनस का 2 और इधर से माइनस का 4 लैम्डा जे कैप प्लस माइनस का 8 माइनस का 11 लैम्डा के कैप। ये पूरा का पूरा अब आ गया आई कैप में, जे कैप में और के कैप में, तो ये और कुछ नहीं हमारे पॉइंट एल का पोजीशन वेक्टर है। ये जो हमने निकाला ये और कुछ नहीं बिंदु एल का स्थिति सदिश है। अब पॉइंट पी का हमें पोजीशन वेक्टर पता है, पॉइंट एल का भी हमें पोजीशन वेक्टर पता है, तो हम अब यहां पर निकालते हैं पी एल वेक्टर। पी एल को हम सदिश के रूप में निकालते हैं। कैसे निकलेगा ये? तो ये निकलता है पोजीशन वेक्टर ऑफ एल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी से। तो यहाँ से पी एल वेक्टर जो होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एल क्या है, ये है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 11 प्लस 10 लैम्डा आई कैप प्लस माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा जे कैप प्लस माइनस 8 माइनस 11 लैम्डा के कैप। ये हो गया हमारा पॉइंट एल का पोजीशन वेक्टर। इसमें माइनस कर देना है। माइनस किसका पोजीशन वेक्टर? पी का। पी का पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है? ये है हमारा 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 5 के कैप। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आई वाले को एक साथ रखना है, जे वाले को एक साथ, के वाले को एक साथ, फिर आई कैप जे कैप और के कैप को कॉमन निकाल देना है। तो इसका मतलब ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, पी एल वैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ का आई कैप ये है और यहाँ का माइनस 2 है, तो 11 प्लस 10 लैम्डा और वहाँ से आएगा माइनस का 2 और ये हमारा आई कैप होगा, प्लस ये है हमारा जे कैप, तो माइनस का 2 माइनस का 4 लैम्डा तो हमारे पास पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा, ये हो गया जे कैप, फिर प्लस माइनस का 8 माइनस का 11 लैम्डा यहाँ पर है माइनस और ये प्लस, तो माइनस का 5 यहाँ पर के कैप आ गया। अब 11 में से 2 माइनस कर देते हैं, मतलब ये ब्रैकेट जो है थोड़ा बहुत सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया पी एल वैक्टर इज इक्वल टू, 11 में से 2 गया तो ये बचेगा हमारा 9 प्लस 10 लैम्डा आई कैप प्लस माइनस 2 और ये प्लस 1, ये बनेगा हमारा माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा जे कैप
प्लस यहाँ से माइनस एट और माइनस फाइव, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 13 माइनस 11 लेमडा के कैप, ये हमारा निकल गया पीएल वेक्टर। अब एक चीज समझिए, ये पीएल जो है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और इस लाइन के बारे में जरा सोचिए, इस लाइन का इक्वेशन तो यही था। हम लोगों ने लाइन के इक्वेशन से क्या सीखा है, लाइन के इक्वेशन से सीखा है कि ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। तो सोचिए, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन अगर इस पर परपेंडिकुलर है तो ये इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसी को लैंग्वेज में लिखना है। लैंग्वेज में लिखने के लिए मैं यहां पर थोड़ा सा ये मिटा रहा हूं। ये PL वेक्टर जो है ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो इसको लैंग्वेज में हम लिखेंगे, सिंस PL वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन विच इज पैरेलल टू, ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन 10 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 11 k कैप के पैरेलल है। तो पैरेलल टू 10 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 11 k कैप। लैंग्वेज क्या है, सिंस PL वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन विच इज पैरेलल टू 10 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 11 k कैप। सोचिए, तो PL इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, PL जो है अपने आप में एक वेक्टर के फॉर्म में है और ये भी जो है अपने आप में एक वेक्टर के फॉर्म में है। अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और दोनों वेक्टर के फॉर्म में है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। दैट मीन्स देयरफॉर PL वेक्टर जो है हमारा ये आया है, यानी 9 प्लस 10 लैम्डा आई कैप, 9 प्लस 10 लैम्डा आई कैप प्लस माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा जे कैप प्लस माइनस 13 माइनस 11 लैम्डा के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है किसके साथ, 10 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 11 के कैप के साथ, और इसका डॉट प्रोडक्ट जो है ये जीरो के इक्वल आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। अब डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे किया जाता है, I वाले को I वाले के साथ, J वाले को J वाले के साथ और K वाले को K वाले के साथ। तो यहां से आएगा 9 प्लस 10 लैम्डा इनटू, यहां से हमारा 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा इनटू, यहां से माइनस का 4 होगा, प्लस माइनस का 13 माइनस का 11 लैम्डा, और यहां से माइनस का 11 होगा इज इक्वल टू जीरो। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा
ये हमारा हो जाएगा 90 प्लस 100 लैम्डा, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस का 16 लैम्डा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13 और 11, ये हमारा प्लस का 143 और ये हमारा प्लस का 121 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहां से आइए 94 143, ये हमारा 94 हो गया। 94 को अगर इसमें ऐड कर दें तो 4 3 7, हो गया। लैम्डा की अगर बात करें तो यहाँ 100 है, यहाँ 16 है और यहाँ पर 121 है, ये 116 हो गया। 116 ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। ये हमारा लैम्डा ये प्लस और इज इक्वल टू में 0 है। तो यहाँ से ये हमारा 2 होगा, हंड्रेड का और यहाँ ये 237 होगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1। लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई -1। इस लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो ये मेरा PL निकल जाएगा। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लैम्डा की जगह हमें -1 पुट कर देना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PL वेक्टर इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 9 माइनस 10। 9 माइनस 10 हमारे पास होगा -1, यानी ये हमारा बनेगा -i कैप। लैम्डा की जगह -1 पुट करेंगे तो ये प्लस का 4 बनेगा, 4 माइनस 1 ये हमारा प्लस 3j कैप, और लैम्डा की जगह -1 रखेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस 11 माइनस 13 माइनस का 2k कैप। ये हमारा निकल गया PL वेक्टर। चूंकि हमें उसका लंबाई निकालना है तो लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद PL वेक्टर का मॉड ले लेंगे। PL वेक्टर का मॉड जो है अपने आप में आ जाएगा रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। यहां से PL वेक्टर जो होगा रूट अंडर, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, प्लस यहाँ पर 9 10 14, यानी रूट अंडर 14। तो इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा रूट अंडर 14 यूनिट्स आया। हमने इस बिंदु से इस रेखा पर लंब जो खींचा उस लंब की लंबाई रूट अंडर 14 आई। हाँ, अब यहीं पर एक चीज़ और समझिए, अगर हमको इस पॉइंट L का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने बोला गया, बिंदु L के निर्देशांक ज्ञात करने बोले गए कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये L क्या है, L फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो L की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, लैम्डा की जो वैल्यू है उस लैम्डा की वैल्यू को जो आपका लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से, उसमें लैम्डा की जगह वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर दीजिए। लैम्डा की वैल्यू हमारी -1 थी, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू को -1 यहाँ रख दूँ तो हमारे पास
11 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप, इसकी जगह माइनस 1 पुट करते ही हमारे आ जाएगा माइनस का 10 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 11 के कैप। इसको आपस में सॉल्व कर दीजिए तो आर वेक्टर जो हो जाएगा 11 आई माइनस 10 ये आई कैप माइनस 2 जे प्लस का 4, तो ये प्लस का 2 जे कैप और माइनस 8 प्लस का 11 ये हमारा प्लस का 3 के कैप। अब ये आर वेक्टर जो है होता क्या है, पोजीशन वेक्टर होता है किसी भी पॉइंट का। हमने इसको पॉइंट एल का मान लिया था, अगर आप इसको कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे तो ये आएगा 1 2 3। 1 2 3 जो है इस पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स आपको निकल जाएंगे। ये था हमारा वेक्टर फॉर्म में। इस वेक्टर फॉर्म में ध्यान बस इस बात का रखिएगा कि वेक्टर फॉर्म में निकालते समय हमें जो पॉइंट पहले से दिया हुआ है उस पॉइंट को हमने पी लेट करना है। जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे उस परपेंडिकुलर को जहां पर उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा उसको एल लेट करना है। क्वेश्चन का प्रोसेस सेट है, इसी प्रोसेस से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को बनाते चले जाइए, हर क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रोसेस इसका सेट है, मेथड सेट है, इस मेथड से अलग हटकर आपको कुछ करना नहीं है। कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा, हाँ प्लस माइनस करते समय आपका अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो बात अलग है, बाकी पूरा का पूरा मेथड एक के बाद एक स्टेप्स जो हैं वो सारे क्वेश्चंस में सेम रहेंगे। लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। कई बार क्वेश्चन में केवल फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछता है, कई बार क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर के साथ साथ इसकी लंबाई पूछती है। कई क्वेश्चन में तो ऐसा होता है हमें इस पीएल का इक्वेशन भी पूछेगा, इस पीएल का इक्वेशन, पीएल का अगर इक्वेशन पूछेगा तब कैसे करेंगे वेक्टर फॉर्म में। अब सोचिए आपने पॉइंट पी जो है पोजीशन वेक्टर के रूप में देखा, क्या आपने पॉइंट एल को भी पोजीशन वेक्टर में देखा। ये देखिए ये जो लिखा है ना ये और कुछ नहीं, ये हमारा पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट्स है, मतलब पोजीशन वेक्टर है। अब आइए वेक्टर चैप्टर में हमने, सॉरी वेक्टर बोल रहे हैं, 3D में ही हमने लाइन का इक्वेशन बनाया था, दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, जहां पर दोनों के दोनों पॉइंट्स जो हैं हमने वेक्टर फॉर्म में लिए थे। उस मेथड से आप इस पीएल का इक्वेशन निकाल लीजिए। तो अगर आपको इसका इक्वेशन भी पूछा गया तो आप इसका इक्वेशन भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। रही बात इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।